हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या बच्चों के लंच बॉक्स की स्पेशल रेसिपी, जो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही कम सामान में आसानी से बन जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ कढ़ाई। इसके अंदर हम हमारे 2-3 मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं उसी चम्मच से सौंफ और साबुत धनिया। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और हल्के से इसे हिलाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन, और इन सबको हमें दरदरा पीस लेना है। तो अब मैं ले रही हूँ एक बोल, इसके अंदर मैं ले रही हूँ बेसन। तो मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। आप कोई भी चीज ले रहे हो उसे एक चाय कटोरी या फिर ग्लास किसी से भी मेजरमेंट करके ले सकते हो। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कद्दूकस, कीवी, लौकी। तो मैंने ये 1.5 कटोरी लौकी दी है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं ले रही हूँ कैप्सिकम, और अब इसके अंदर ले रही हूँ मैं पानी, और अच्छे से इसका हम बैटर रेडी कर लेंगे। और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इन सबको, और जैसे जैसे आपके पानी की ज़रूरत लगे उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करते रहें। और बैटर हमें थोड़ा सा पतला ही बनाना है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना है, और अच्छे से लम्स नहीं रहे उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम लोग हमारा बैटर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी थोड़ा थिक है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। और अब इसके अंदर डालेंगे हम हमारे मसाले। तो आपको जो मसाले पसंद है वो डाल सकते हैं। तो मैंने जो ये ड्राई मसालों को रोस्ट किया था उसे मैंने अच्छे से दरदरा कूट लिया, तो वो डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और अब इसके अंदर डालूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। अगर आपको लाल मिर्ची पाउडर पसंद नहीं है तो आप काली मिर्ची पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हो, और अच्छे से इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। और अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अब इसके अंदर मिर्ची को एकदम भी कम कर सकते हैं, और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा इसके अंदर। और ये मेरे पास जो स्टैंड है इसके अंदर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल। इसके अंदर छोटे छोटे से चिल्ले बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नॉर्मल जो तवा होता है उसके ऊपर अच्छे से ऑयल को ग्रीस करके, और अच्छे से इसे हमें ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम हमारा बैटर डालेंगे। तो ऑयल से एकदम अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर घी या फिर बटर का भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा बैटर कितना पतला है। मैंने जैसे ही बैटर को तवे पे लगाया वो तुरंत ही स्प्रेड हो गया है। तो इसी हिसाब से हमारा बैटर होना चाहिए, और अच्छे से हमें इसको फैला लेना है। और उसके बाद में हम हल्का सा इसके अंदर लगाएंगे ऑयल, और अच्छे से इसे दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम टू लो, और अच्छे से इसे दोनों साइड से पलट कर क्रिस्पी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पलट कर आपको दिखाया, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। इसी हिसाब से हम हर तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि एकदम अच्छे से नहीं निकल रहा वहाँ पर इसे थोड़ा सा ऑयल और लगा लें। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप बच्चों और बड़ों सभी के लिए बना सकते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में। अगर बच्चे कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो इसके अंदर वो सारी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो और अच्छे से इसे सर्व कर सकते हो। टी टाइम स्नैक्स में भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे चिल्ले बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए हैं। इसी हिसाब से हम बाकी और भी चिल्ले हैं उन्हीं को बना लेंगे। इन चिल्लों को आप चाहे टोमेटो केचप हो, ग्रीन चटनी हो, या फिर इमली की चटनी हो, किसी के साथ सर्व करते हो, सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी से चिल्ले जिसको मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ से लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स ऐसे जरूर शेयर करना। और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सामने जो बेल आइकन दिए उसे भी प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।